ज्यादा अमीर होना बहुत भारी बोझ होता है। ये डायमंड शूज एक बुरे सपने की जैसा है। दर्द हो रहा है, मदद करो। एशली के वफादार नौकर उसकी हर विश को पूरी करेंगे। शुक्रिया बॉयज, कॉलेज चलो। गोल की कनफेटी, इसका स्टाइल काफी समय पहले ही चला गया है। अमीर मियाँ का तरीका अलग है, वो कॉलेज अपनी कार में आती है। आज हम इसमें जाएंगे। जल्दी करो ड्राइवर, हम लेट हो रहे हैं। वाह, कितनी अच्छी चीज मिल गई। गरीब किम आमतौर पर कॉलेज चलकर जाती है, पर आज उसकी किस्मत अच्छी है। पर पता नहीं उसके पास एक कूल बाइक खरीदने के लिए पैसे हैं या नहीं। ये पैसे तो कम है मिस। पर आपके लिए भी कुछ है। क्या आपको पसंद आया? ये काफी अजीब सा दिखता है, पर किम को पसंद आया। जब आपके पास पैसे ना हो तो कुछ अलग सोचना चाहिए। हर सुबह एक जैसी होती है। फिर से कॉलेज जाओ, ये बहुत परेशान करने वाला है। अब ये मजेदार है। सुबह आप पार्टी मिस नहीं करना चाहेंगे, पर लेसन का क्या होगा? मियाँ के पास पहले ही सॉल्यूशन है। गार्ड, यहाँ आओ। मैं पार्टी के लिए जा रही हूँ और तुम मेरी जगह पर कॉलेज जाओगे। मिस मियाँ, पर ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तुम कर सकते हो। एक वफादार गार्ड कभी फेल नहीं होता। और सीक्रेट ऑपरेशन शुरू होता है। मुझे उम्मीद है टीचर को कुछ भी नहीं पता चलेगा। बैठ जाओ मियाँ, अपनी टेक्स्ट बुक खोलो। अभी तक सब कुछ अच्छे से जा रहा है, पर आप मिस्टर थॉमस को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। मियाँ, क्या ये तुम ही हो? बिल्कुल मिस्टर थॉमस, ये बर्दाश्त के बाहर है। पर्सनल शूज पहनने का वक्त आ गया है, साबित करो। सच में ये मियाँ ही है। शायद उसे अच्छी नींद नहीं मिली है। और बहुत अमीर एशली बहुत ज्यादा सोती है। उसके सपने आज बहुत प्यारे थे। ओ नहीं, मैं बहुत देर तक सोई रही। यहाँ आओ सभी। अभी मेड ने सब कुछ तैयार कर लिया है, बस ड्रेस पहनना बाकी रहता है। ब्रेकफास्ट करने के लिए वक्त नहीं है। कैरिज तैयार हो चुका है। एशली टेलीपोर्टर का इस्तेमाल करने वाली है। ये उसे क्लास में एक सेकंड में पहुँचा देगा। हाय मिस्टर थॉमस। एशली, ये बहुत ज्यादा हो गया, अपनी सीट पर जाओ। मिस्टर थॉमस का मूड आज अच्छा नहीं है। साइड हो जाओ, ये मेरी सीट है। इन अमीर लोगों को कोई तमीज नहीं होती। किम बहुत ज्यादा लेट हो गई। क्लास शुरू होने वाली है। मुझे पता है, सीवर का इस्तेमाल करो। अंडरग्राउंड से जल्दी पहुंच जाऊंगी। चलो ये करते हैं। सफर के लिए तैयार हो जाओ। और इस ट्रिप में मजा आने वाला है। बस इस बात का ध्यान रखना कि आप अपना स्टॉप मिस ना करें। मुझे लगता है आप बाहर निकलना चाहिए। ओह नहीं, किम ने जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गई। सीवर आज उसके काम नहीं आया। क्लास शुरू हो रही है। किम निशाने पर है। मिस्टर थॉमस, मुझे माफ कर दो, मुझे लगता है हमने कर दिखाया। अब हम पढ़ाई कर सकते हैं। रुको, ये कैसी स्मेल है? ये तो साफ है। सीवर की ट्रिप के बारे में सबको पता चल गया। मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ अभी। तो आज किम यार्ड में पढ़ाई करेगी। मिस बदबूदार, क्या तुम ठीक हो? इसे पकड़ो। ये ठीक नहीं है लड़कियों, मैं बस लेट हो रही थी। पीटी की क्लास शुरू हो रही है। लड़कियों सब तैयार हो जाओ, पर अमीरों का तो अपना ही वार्म अप होता है। लॉन्जेस करो। हाँ हाँ, हम समझ गए। पैर ऊपर करो। ओह, ये पीई करने का बुरा वक्त है। ये तो सन बात का वक्त है। एशली, देखो मेरे पास क्या है। अच्छी कोशिश है लड़की, पर मेरा रिफ्लेक्टर तुम्हारे वाले से ज्यादा महंगा है। ये बुरा हो सकता है। लड़ना बंद करो लड़कियों, हमें थोड़ी शांति चाहिए। डील हो गई। सन बात लो लड़कियों। और गेम्मा जीतने के लिए तैयार है। सॉकर कौन खेलना चाहता है? लड़कियों उठ जाओ, गोल्स अपने आप नहीं होंगे। यहाँ से चली जाओ किम, तुम धूप के सामने आ रही हो। ये लो, किम फिर से फेल हो गई। कोई भी सॉकर नहीं खेलना चाहता है। सॉकर, किसने कहा? ऐसा नहीं हो सकता, ये कितनी अच्छी बात है। ये आदमी भी उसी टीम को पसंद करता है जिस टीम को किम पसंद करती है। हम चैंपियंस हैं। चलो देखे कौन ज्यादा स्कोर करता है। चलो फील्ड पर चले। आखिरकार एक पूरा पीई लेसन। माफ करना,
ही, तुम कौन हो? विश्वास नहीं होता, यह अमीरों का इलाका है और यहाँ गरीबों के सॉकर के लिए कोई जगह नहीं है। ओ, ये बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। भागो, कितनी अच्छी लैंडिंग है। गेम के बाद एक ड्रिंक, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मेरे पास बैठो दोस्त, गेम बहुत अच्छी थी। और कॉलेज में आज पेरेंट्स डे है, सबसे पहले कौन आएगा? एशली, बोर्ड के पास आओ। ठीक है मिस्टर थॉमस, उसकी टेक्नोलॉजी किसी भी लेसन को बचा सकती है। मेरे डैडी से मिलो, वो बहुत ज्यादा अमीर है। पूरी दुनिया हमारा घर है। वाह, क्या मैं सबसे अमीर आदमी के साथ सेल्फी ले सकता हूँ? नहीं नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है। क्या ऐसा है? तो तुम्हें एफ मिलता है। अगला, और अमीर फैमिली में बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं और मियाँ की मॉम एक असली स्टार है। क्या ये तुम्हारी मॉम है? ऐसा है तो एक सॉलिड बी। अगला, पर किम हमें एक असली क्लोज नेट फैमिली दिखाएगी। मेरे डैडी सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, उन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है। किम रुको, ये हमारा जेनिटर है। झूठी। किम पकड़ी गई। पूरे स्कूल को ये दिखा दो। और अब उसके डैड आते हैं। किम, तुम बहुत होशियार हो, ये मेरी बेटी है। ओह हाँ, ये मेरे डैड है और ये दुनिया में सबसे अच्छे हैं। ये लोग एक असली फैमिली है, इसके लिए तो ए मिलेगा। तो क्या हुआ अगर उसे ए मिला? किम की किस्मत अच्छी थी। एशली और मियाज एक दूसरे के दुश्मन हैं। आज किसे कास्ट किया जाएगा? ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। एशली, ये जजेस ने फैसला ले लिया है और विनर है मिया या एशली। वो दोनों ही खूबसूरत हैं। सर, हमें पता है कौन बेहतर है। अच्छा पॉइंट है। सर, मेरे पास कुछ बेहतर है, गोल्ड पेपर से ज्यादा अच्छा है। चॉइस तो बन चुकी है, तुम कमर्शियल में रहोगी और ये तुम्हारी स्क्रिप्ट है। मुझे लाइव जाने की जरूरत है, मेरे फैंस को इस गुड न्यूज के बारे में पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला एशली, मिया के दिमाग में पहले से ही एक चालाक प्लान है। एशली स्मार्टफोन को कमर्शियल नहीं करेगी, वो एक्ने क्रीम को प्रमोट करेगी। चलो शुरू करते हैं, प्रैंक के लिए सब तैयार हो चुका है। जाओ, मैं यहाँ हूँ। मेरा फोन कहाँ है? कौन सा फोन? मिस, ऐसा सोचो कि आपके पास बहुत सारे पिंपल्स हैं। इस डायरेक्टर के साथ कुछ तो गड़बड़ है, पर आर्ट में तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है और इसका रिजल्ट तो पूरे स्कूल को खुश कर देगा। साइड हो जाओ, मुझे देखने दो। ऐसा नहीं हो सकता, एशली के साथ धोखा हुआ। पीछे हो जाओ, ये तुम नहीं देख सकते। चलो भी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लड़कियों, हाय। एशली, तुम्हारी क्रीम बहुत अच्छी है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। गरीब लोग इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसे क्या हुआ है? मेरा ये मतलब नहीं था। एक बहुत बड़ा इवेंट, मिस कॉलेज कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है। कैसा रहेगा अगर मैं ये जीत जाऊं कि मिस के बाद स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाएगी? ये क्या कर रही है? मुझे नहीं पता लड़की, पीछे हटो। नहीं नहीं, यहाँ कुछ भी खास नहीं है। वाह, एक कॉन्टेस्ट, हमें बस लिस्ट में अपने नाम डालने हैं। पहले मैं, एशली, पीछे हटो मिया, ये लोग फिर से शोर मचा रहे हैं। पर ये किम के लिए अच्छा है, अब वक्त है अपना नाम लिखने का। तुम दोनों लेट हो चुकी हो ब्यूटीज। मिया, इसने हमें बेवकूफ बना दिया, यहाँ तक कि मार कर भी ले गई। लड़कियों, क्या तुम इसे ही ढूंढ रही हो? ये लो, आज मेरा मूड अच्छा है। और कॉन्टेस्ट की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। हमें सबसे सुंदर ड्रेस को चुनना है, पर ये तो इतने अच्छे नहीं है, बहुत सस्ते हैं। किम भी यहाँ आई है और अब वो इन दोनों को सबक सिखाने वाली है। उसे बस ड्रेसिंग रूम में जाने की जरूरत है और अब मस्ती की शुरुआत होने वाली है। उनको कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने का बहुत पछतावा होगा। हेलो लेडीज, आपको इन पुराने कपड़ों की जरूरत नहीं है। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं सबसे ज्यादा फैशनेबल स्टाइलिस्ट हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और मेरे पास कुछ स्पेशल है, कूड़े वाली ड्रेस का फैशन सबसे अच्छा होता है।
स्टाइलिस्ट को पता होता है सबसे अच्छा क्या होता है। एशली, हम जरूर जीतेंगे। दुश्मन को एलिमिनेट हो गई और अच्छी ड्रेस के लिए काफी पैसे भी हो गए और कॉन्टेस्ट शुरू होता है। साइड हो जाओ एशली, नहीं तुम साइड हो जाओ मिया। कचरे के बैग की ड्रेसेस, कितना तेज दिमाग है। फैशन की दुनिया में एक नया कदम, स्टाइलिश और इकोलॉजिकल भी। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ, पर हमारे पास क्राउन के लिए एक और कंटेंडर है और केमाज बहुत शानदार लग रही है। अब लग रहा है कि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और ऑडियंस में गेस्ट भी है। ये मेरी बेटी है, वो सुंदर लग रही है ना? हाय डैड। और हमारे पास एक विनर है, वो है केम। ये तो गलत है, वो गरीब लड़की नहीं जीत सकती। इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। आप सभी का शुक्रिया। रुको, कॉलेज के सारे कचरे वाले बैग इन लोगों ने चोरी किए थे। क्या तुम लड़कियों को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? मैं प्रिंसिपल को शिकायत करने वाला हूँ। बधाई हो स्वीटी, ऐसा लगता है कि आपको क्वीन बनने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है।